और इस वक्त हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी संवाददाताओं को संबोधित कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं, आइए सीधे वहीं चलते हैं। 5 minutes ago in this press conference itself that this exercise is a faulted exercise. This exercise is bound to fail. Knowing that it is bound to fail, they are looking for an escape route, and escape route is nothing better than bring the onus on the central government. So far as central government's activities are concerned, we are very concerned because we all live in Delhi. There are 7 MPs from Delhi who are concerned about Delhi, and we have a central government offices also here. So we are concerned about Delhi, and it is in that context that the national highway project, the expressway highway projects, 3,500 crore being given by the urban development ministry recently. Before this, 42% of the budget has been handed over to Delhi government. And not only that, in addition to that, I remember my first budget speech in the parliament, where I asked the central government to make extra grant for the electricity supply and water and sewage problem in Delhi, and put the extra grant. So extra grant of 1200 crore was also sanctioned by the central government. So blaming central government without putting the best effort forward is the strategy which this party is following. And if you really wanted to deal with pollution, there are better ways to deal with it, and better way is a better planning and having the right intention. I think the right intention and motivation does not exist. These are people who have no experience in administration, and they are constantly trying to harm the cause of governance. Forget about good governance, they are not able to give governance to Delhi. जो गोपाल राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे उनका ये बिछाया हुआ खेल बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और मुझे दिख रहा था कि ये एक फेल होने वाली योजना है, और उस फेलियर का ठीकरा ये केंद्र सरकार के सर पर फोड़ना चाहते हैं, और इसी कारण से इन्होंने ये सब किया. जब कोर्ट ने इनसे कहा कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो जो कुछ करने वाले काम थे वो तो इन्होंने कुछ किए नहीं. जिसका उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जिसका बजट 5,500 करोड़ है, और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कूड़ा जो कूड़ेदान में है उसकी नहीं है, बल्कि जो सड़कों के ऊपर मलबा पड़ा है और उस मलबे की कोई योजना नहीं है, उसको योजना के आधार पर निकालना, साफ करना, और जो भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा काम करना, वो काम इन्होंने नहीं किया. और आप पूरी रिंग रोड से लेकर तमाम जितनी चौड़ी सड़कें हैं, आपको वहां पर हर जगह पर मलबे के ढेर दिखाई दे जाएंगे. तो जहां पर पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में एक पोल्यूशन का कारण है, उस पर काम नहीं करना. पावर स्टेशन के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि आपके कार्यक्षेत्र में आता है, उस पर काम नहीं करना. यमुना को लेकर सफाई अभियान में आरती करना एक अलग बात है, लेकिन आपके आपको वहां पर एसटीपी प्लांट स्थापित करने हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे. 1200 करोड़ की आपको एक्स्ट्रा ग्रांट प्राप्त हुई है केंद्र सरकार की, सुएज और पानी के ट्रीटमेंट की, जल बोर्ड और सुएज लाइन बिछाने के लिए आपने कोई लाइन नहीं डाली, और बल्कि जहां जहां मैंने चिट्ठियां लिखी कि आप यहां लाइन डालिए, वहां लाइन डालिए, तो वापस जवाब आ जाता है कि यहां पर लाइन नहीं डल सकती. तो जो अनाधिकृत कॉलोनीज थी वहां पे खुले नालियां हैं, उनका कंट्रोल, क्योंकि वो सब यमुना में जा रहा है. तो अगर आप जब तक एसटीपी प्लांट प्लान तरीके से और बाकी पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, पोल्यूशन पर कंट्रोल होने ही नहीं जा रहा. तो ऑड इवन से मात्र 6% गाड़ियां जो है वो सड़क से हटती, लेकिन जब आप 10,000 ऑटोज और 3,000 बसेस, एक बस 7 या 8 गाड़ियों कारों के बराबर है, वो डालेंगे, तो आपने कुछ कैलकुलेट किया कुछ? इन एनी केस जनवरी के महीने में जब तापमान बढ़ने लगता है, तो बहुत सारे पोल्यूटेंट जो गैसेस पोल्यूटेंट है वो हवा में उड़कर ऊपर चले जाते हैं, और क्योंकि टेम्परेचर कम नहीं होता, पार्टिकुलेट मैटर जो है एक आध बारिश और उस सब की वजह से नीचे सेटल भी कर जाता है, और ये इस साल का नहीं, हर साल का वही रिकॉर्ड है. साथ ही आपने समय 1 से 15 तारीख वो चुना जबकि दिल्ली में शादियों का मौसम नहीं है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, तो जो पोल्यूशन ऐड करने वाली चीजें थी आपने वो समय बड़ी चालाकी से चुन लिया. तो अगर अगर हो जाता है तो वाह वाह, और नहीं होता तो केंद्र सरकार नहीं होने दे रही. तो वो एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और कि
ना केंद्र सरकार ये नहीं करेगी, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही, तो आप ठीकरा लगातार केंद्र सरकार पे सरकार के सर पर फोड़ते रहे। तो आप मीनाक्षी लेखी को सुन रहे थे और बीजेपी की प्रवक्ता हैं और उनका साफ साफ ये कहना है कि जो दिल्ली सरकार कल से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड और इवन परियोजना लागू करने जा रही है वो किसी भी रूप में सफल नहीं होने वाली, उससे प्रदूषण कम नहीं होने वाला, बल्कि और भी तरीके हो सकते थे प्रदूषण को कम करने के लेकिन दिल्ली सरकार उसको नहीं कर रही है। तो एक बड़ा बयान इसको भाजपा की ओर से कहा जा सकता है और